दुबई में आयोजित हुए साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड शो साउथ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 की रात काफी रंगीन रही। इस दौरान साउथ सिनेमाई दुनिया के कई बड़े सितारे यहां पहुंचे। इन सितारों को साल 2022-23 में दी गई इनकी शानदार फिल्मों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवार्ड शो में RRR स्टार जूनियर NTR और साउथ सुपरस्टार यश ने भी बाजी मार ली, जबकि कांतारा निदेशक ऋषभ शेट्टी को भी बड़े सम्मान से नवाजा गया। साथ ही साउथ फिल्म अभिनेत्री श्रीलीला ने भी इस दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की। साउथ सिनेमा यानी टॉलीवुड से सुपरस्टार जूनियर NTR को फिल्म RRR के लिए बेस्ट एक्टर के सम्मान से नवाजा गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ऐसे ज्यादा मोली को फिल्म RRR के लिए मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जूनियर NTR को फिल्म RRR, तो ही बेस्ट एक्ट्रेस श्रीलीला को उनकी फिल्म धमाका के लिए मिला। बेस्ट एक्टर क्रिटिक अदिविशेष फिल्म मेजर को, तो ही बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मृणाल ठाकुर को फिल्म सीतारामम के लिए मिला। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी फिल्म RRR के लिए मिला, तो ही बेस्ट डेब्यू एक्टर मृणाल ठाकुर सीतारामम। बेस्ट लिरिक्स राइटर चंद्र बोस नाटू नाटू गाना फिल्म RRR, तो ही बेस्ट फिल्म 777 चार्ली को मिला। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।